एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग देख रहे होगे गाइस, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ना क्या हुआ, मंथली प्रॉब्लम कह सकते हो। तो मैं ना बेड पे ही लेटी हुई थी, मम्मी ने गरम गरम चाय बना के ला के दिया था। गरम चाय से ना पेट थोड़ा सा आराम लगता है दर्द, तो मैं चाय पी रही थी बेड पे ही। और उसके बाद परी तो आज कैसे तो भगवान के दया से उठ के खेल रही है सुबह सुबह, मुझे उतना तंग नहीं करी। नहीं तो मेरा जिस दिन तबीयत खराब रहता है उस दिन बच्चे लोग भी ना बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं। मेरे पास तो परी ज्यादा ही रहने के लिए खोजती है जब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। जब मैं सोचती हूँ कि वो मुझे कुछ देर आराम करने दे, तो वो मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं करने देती है। तो ये मेरा ना चाय भी पीने का मन नहीं किया। मैं वहाँ पर चाय रख के और उसके बाद लेट गई पैर ऊपर करके, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और जब तक मैं दवा खाऊंगी नहीं तब तक कंट्रोल होगा नहीं। उठूंगी, ब्रश करूंगी, तब तो दवा खाऊंगी। वहाँ पे बरेंडा में ना परी खेल रही थी, तो मैं परी को लेके बैठी हुई थी। मन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और परी बहुत तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी। वो ना मैं वहाँ नहीं खेल रहती हूँ तो वो खेलने के लिए भी नहीं खोजती थी। मैं ना वहाँ बैठ गई थी और परी खेल रही थी। और मेरा फेस देख सकते हो आप लोग ना, पेट में हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा थर थर करके दर्द हो ही रहा है। अभी मैं दवा भी नहीं खाई हूँ, ब्रश भी करने का मन नहीं। ब्रश में कोलगेट लगा के छोड़ दी थी, उसके बाद मुझे ब्रश करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ देख सकते हो परी ना खेल खेल के इधर से उधर डांस कर रही है। फिर बार बार मम्मा मेरे पास आ जा रही है, फिर उधर जा रही है, फिर मेरे पास आ जा रही है। मतलब ज़्यादा देर मेरे बिना रहती नहीं है, इसलिए ज़्यादा ना मतलब मैं आसपास ही उसकी रहती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो सब बच्चे लोग सब खेल रहे हैं और यहाँ मैं बैठी हुई है। परी गोदी में चढ़ी हुई है, गोदी में उठाया हुआ है। मुझे डर लगता है कि गोदी में कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अभी तो छोटा है, खुद ही बच्चा लोग सब अभी खेलने वाला सब है। इसको गोदी लेगा उसके बाद फिर कहीं गिर उड़ ना जाए। और फिर मैं उसके बाद ना मैं बहुत हिम्मत करके उसके बाद ब्रश करने के लिए आई और ब्रश की यहाँ पे ब्रश। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पेट में ना दुपट्टा बांधा हुआ है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी की वजह से मैं दुपट्टा बांध देती हूँ टाइट करके कि थोड़ा सा राहत लगेगा। तो मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद दवा खाऊंगी, तब तो उसके बाद देखती हूँ कैसा रहता है। उसके बाद कंट्रोल होता है, दवा का असर जितना देर तक रहता है ना उतना देर तक कंट्रोल रहता है। तो ये मैं यहाँ पर ब्रश कर ले रही हूँ। और यहाँ पे तो मेरी मम्मी खाना पीना सब बना ली थी, झाड़ू उड़ू सब दे ली थी। यहाँ मतलब मायके का बात ही अलग रहता है, मम्मी का बात अलग रहता है। मम्मी लोग जितना कर देती है उतना कभी कोई नहीं कर सकता। जितना मायके में मम्मी पापा से होता है ना उतना कहीं भी नहीं हो पाता, ससुराल में किसी के भी ससुराल में नहीं हो पाता होगा। मेरे ससुराल में तो और ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब वहाँ मैं रहती भी हूँ तो मतलब ये सब दर्द में ना डर लगते रहता है कि काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। अंदर से मतलब ना अजब मतलब गजब टाइप की फीलिंग रहती है, डर टाइप का रहता है कि मतलब कोई डांट ना दे, कोई बोल ना दे, कोई गुस्सा ना हो जाए, काम नहीं करती है तो कुछ भी ससुराल में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मम्मी ना खुद ही नहीं करने देती, कुछ भी नहीं करने देती, सिर्फ बोलती आराम करो और गरम गरम खाना खाओ कि आराम हो जाएगा। और पानी भी ना बोतल में करके मैं पेट में ना इधर से इधर टुलवाते रहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत राहत होता है। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सिर्फ ना रोटी बनाना बाकी था। नहीं ये ना गाइस, ये ना और उसके बाद खाना ना खाओ के ना सो गई थी। और उसके बाद ये रात का वीडियो है, उसके बाद बहुत देर तक मैं आराम की थी, खाना पीना सब बना हुआ था तो मैं खा ली थी। और रात का ना रात में ना मम्मी ने ना आटा उटा सब सान उनके रख दी थी, तो मैं सब बोली कि मम्मी तुम रोटी नहीं बना पाती, मैं बना देती हूँ। तो रोटी मैं बनाने के लिए बैठ गई थी, बैठ के सिर्फ रोटी बनाना था। मम्मी ने तड़का बनाया था और सेवई बनाया था, तो मुझे सिर्फ रोटी बनाना था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आराम करने, क्योंकि ना इस टाइम में ना आराम ज़्यादा करना रहता है। तो और मुझे यहाँ पे आराम मिलता भी है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, उतना ना कोई मतलब कहीं भी नहीं मिल पाएगा जितना मुझे यहाँ मायके में मेरी मम्मी मतलब आराम दे देती है। पापा भी रहते हैं तो पापा भी बोलते हैं सो उसको क्यों कुछ करने के लिए दी हो। मतलब पापा भी मेरे नहीं चाहते हैं कि मैं मतलब तबीयत खराब हो तो मैं कुछ करूँ ऐसा। मेरे पापा भी मतलब सबके पापा यही है, सब पापा चाहते हैं अपनी बेटी का दर्द किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत राहत होता है, बहुत मायके में इस टाइम में मुझे बहुत राहत होता है।
यहाँ पे अब फटाक फटाक रोटी बना रही हूँ, बैठ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं मतलब रोटी बनाते जा रही हूँ। इधर देख सकते हो परी फिर ना हल्ला करने लगी थी, मम्मा मम्मा, तो मैं परी को लेके आ गई थी यहाँ पे। और दूध का पैकेट है तो ये देख सकते हो परी क्या कर रही है। और मैं पता है इस टाइम में अगर मतलब ये मंथली मतलब प्रॉब्लम जब होता है तो मैं अगर ससुराल में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत काम करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, खाना पीना सब वही बना के मुझे निकाल के भी देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। उतना मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वहां पे कोई भी उतना मतलब नहीं करता जितना ये करते हैं, कोई करता ही नहीं है। और डर भी रहता है कि कोई कभी गुस्सा ना हो जाए, ये बना के लाके निकाल के भी देते तो खा कर प्लेट भी रखने जाने में डर लगता है अंदर से कि मतलब कोई गुस्सा ना हो जाए। हो सकता है कोई गुस्सा नहीं होगा, लेकिन वहाँ मतलब लगता है मुझे अंदर से कि कब कौन गुस्सा हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइम में मुझे यहाँ पे रहने में, वहाँ पे भी रहना ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड अब जॉब करने लगे ना तो दिन भर उनके पास टाइम रहता नहीं है, वो छुट्टी ले नहीं सकते मेरे लिए, तो इसी की वजह से भी वहाँ दिक्कत हो सकता। तो यहाँ देख सकते हो परी ना यहाँ पे दूध बार बार लेके मुंह में डाल रही है, गिरा रही है, परा रही है, यही सब कर रही है यहाँ पे। इसे चौकी पे लेके रखना ना बहुत डर लगता है कि गरम गरम तावा उबर आता है, कब आग जल उल जाए, ये वो डर लगता है। और उसके बाद देख सकते हो मैं सब कुछ वहाँ से उठा ली है, मेरा रोटी बन के कम्प्लीट हो गया, उसके बाद वहाँ मैं पूछ लूंगी और उसके बाद सबको सब लोग के लिए मम्मी खाना निकालेगी और उसके बाद मैं खाने जाऊंगी, खा के उसके बाद आराम करूंगी। और अभी अब तो रात होने चला और आज की ब्लॉग वीडियो मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग को बहुत कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी टाइप से मुझे होता है, मुझे बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बर्दाश्त से ज़्यादा होता है, मतलब दवा खाना पड़ता है मुझे, 2 टाइम दिक्कत हो जाती है मुझे हर मंथ। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो परी, मैं परी को ना मैं गोदी में लेके और यहाँ रोटी सेक रही हूँ, रोटी मतलब फुला रही हूँ, एक रोटी बच गया था तो उसके बाद मैं ना सोची कि गोदी में से ले लेती हूँ क्योंकि कहीं जल उल ना जाए। उसके रोटी जिसमें मैं रखी थी उसी में जाकर वहाँ पे रख ली और उसके बाद मैं इसे ना लेके गोदी में ही पोछ उछ लूंगी। यहाँ पे गंदा लग रहा है मुझे, गंदा थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो, मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही मैं खाना बनाती हूँ तुरंत पूरा गैस पोछती हूँ, तुरंत नीचे पोछती हूँ, ये मेरा डेली का आदत है। ये मैं अगर खाना बना लूँ और चली गई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, मैं पोछ के ही जाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आप पोछूंगी और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मैं ना गोदी में लेके ही परी को पूरा पोछने लगी, पूरा जितना भी मतलब यहाँ पे गंदगी जो फैला हुआ था, आटा वाटा गिरा हुआ था, वो सब पोछ के गैस पोछना सिर्फ बाकी रह गया, नीचे पूरा पोछ ली। गैस पोछने का सोच रही कि कुकर चढ़ा हुआ है दोनों तरफ एक ही तरफ, मतलब एक ही बार पोछा जाएगा। और उसके बाद हो गया मेरा काम कम्प्लीट। और उसके बाद मैं यहाँ देख सकते हो आप, ये खाना बना था मेरे घर, सभी बना था और तड़का बना था।